ओम शांति। 16 मार्च 2020। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। प्रश्न: ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर: पहला, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो, तुम सबकी एक मत हो जाती है। दूसरा, ईश्वर ही है जो सबकी सदगति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी है, जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे भल यहां सो जाओ। इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि सिकिलधे बच्चे हैं, अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हैं। किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। यह भी तुम बच्चे जानते हो, जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है एक हद का और दूसरा बेहद का। दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं, सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहां है ही सुख धाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है। वह है परे ते परे धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। अभी है पतित दुनिया, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं। उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सतयुग में है ही निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, जब यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी वह राज्य नहीं है। वह राज्य कहाँ गया, यह पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं। और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी हैं जो ना अपने धर्म को जानते, ना धर्म स्थापक को जानते हैं। और धर्म वाले अपने धर्म को तो जानते हैं, परंतु वह फिर कब स्थापन करने आएंगे, यह नहीं जानते। सिख लोगों को भी यह पता नहीं है कि हमारा सिख धर्म पहले था नहीं। गुरु नानक ने आकर स्थापन किया तो जरूर फिर सुखधाम में नहीं रहेगा।
तब ही गुरु नानक आकर फिर स्थापन करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था, फिर स्थापना हुई। पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था, सिर्फ तुम भारतवासी ही थे। एक धर्म था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते यह भी भूल गए हो कि हम ही देवी देवता थे। फिर हम ही 84 जन्म लेते हैं, तब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बतलाता हूँ, आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज्य हुआ है। पहले है सूर्य वंशी घराना, फिर चंद्र वंशी घराना राम राज्य। सूर्य वंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। जो सूर्य वंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे, सो 84 जन्म ले अभी रावण के घराने के बने हैं। आगे पुण्य आत्माओं के घराने के थे, अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। 84 जन्म लिए हैं, वे तो 84 लाख कह देते। अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे, इसलिए कोई का विचार चलता ही नहीं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम बाप के आगे बैठे हो, निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी हैं। गाते भी हैं, परंतु बाप को जानते नहीं हैं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से जागृति होती है, रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, अंधियारे में धक्के खाते रहते। भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, यह किसकी पूजा करेंगे? अपना चित्र बनाए अपनी पूजा तो नहीं करेंगे, यह हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, सो फिर कैसे पुजारी बनते हैं? यह बातें और कोई समझ नहीं सकते, बाप ही समझाते हैं। इसलिए कहते भी हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत मत न्यारी कर दी है। सारी दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं। यहाँ तुम ब्राह्मणों की है एक मत, ईश्वर की मत और गत। गत अर्थार्थ सदगति। सदगति दाता एक ही बाप है। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता राम, परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रहता है। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अंधियारे में है दुख, सोझरे में है सुख। अंधियारे में ही पुकारते हैं ना, बंदगी करना माना बाप को बुलाना। भीख मांगते हैं ना, देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना। सतयुग में भीख मांगने की दरकार नहीं। भिखारी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट थे, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। भारत अभी इनसॉल्वेंट है। यह भी कोई समझते नहीं। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माथा ही फिर गया है।
बाप बहुत प्यार से बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बच्चों को समझाया था, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हो, विकारों की खाद पड़ी है। सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं, अब वह जंक कैसे निकले। मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। पहले तुम हो आत्मा, फिर शरीर लेते हो। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। सत्युग को कहा जाता है अमर लोक, कलयुग को कहा जाता है मृत्यु लोक। दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक कैसे बना। अमर लोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती, वहां आयु भी बड़ी रहती है। वह है ही पवित्र दुनिया। तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? उनको बनाते हैं शंकराचार्य, तुमको बना रहे हैं शिवाचार्य। यह कोई पढ़ा हुआ नहीं है, इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं जाते हैं, मालिक हैं, जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई का कल्याण करने अर्थ मैं प्रवेश कर लेता हूँ। आता तो पतित तन में ही हूँ ना, बहुतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझाया है, माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा भुलवाती रहती है, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते हैं, मैं शिव हूँ, फलाना हूँ, माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि यह किसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुकर्रर यह है ना, फिर दूसरे का हम सुने ही क्यों? अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो, यह बात राइट है व नहीं। बाप झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियां भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि यह क्या है। कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है जो चमाट भी मार देते, गालियां भी देने लग पड़ते। अब बाप थोड़े ही गाली देंगे। इन बातों को भी कई बच्चे समझ नहीं सकते। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ कहाँ भूल जाते हैं। सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती है। फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते हैं, इसमें भी बड़ा संभालना चाहिए। बाप को पूरा समाचार देना चाहिए, फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं। इन सब बातों को छोड़ बाप का एक ही फरमान है कि माँ में कम याद करो। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। रचयिता और रचना का सिमरण करने वाले की शक्ल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत हैं जिनका सिमरण होता नहीं है। कर्म बंधन बड़ा भारी है।
विवेक कहता है, जबकि बेहद का बाप मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर क्यों ना हम याद करें। कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। तब तक कुछ ना कुछ होता है, यह भी जानते हो, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। विनाश होना है, तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को यह स्थूल वतन भासेगा नहीं। सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते, वह बहुत थोड़ा समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता नहीं, हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। वहां की भाषा मूवी चलती है, आत्मा आवाज से परे है, उसको कहा जाता है सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म आवाज होता है। यहाँ है टॉकी, फिर मूवी, फिर है साइलेंस, यहाँ टॉक चलती है, यह ड्रामा का बना बनाया पार्ट है। वहाँ है साइलेंस, वह मूवी और यह है टॉकी, इन तीन लोगों को भी याद करने वाले कोई विरले होंगे। बाप समझाते हैं बच्चे, सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो, वह कोई बाप की याद नहीं है, ऐसे भी कोई ना समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्या करें? नहीं, बाप तो कहते हैं मुझे वहां याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब तक योग बल से तुम पवित्र ना बनो, तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते, नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा। सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। बाबा ने समझाया है, आगे चल अखबारों में भी पड़ेगा, अभी तो बहुत टाइम है, इतनी सारी राजधानी स्थापन होती है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट भारत का कितना है, अब अखबारों द्वारा ही आवाज निकलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन लिबरेटर, हमको दुख से छुड़ाओ। बच्चे जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी होना है, इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी, सुख धाम हो जाएगा, सारी उथल पाथल हो जाएगी। सतयुग में होता ही है एक धर्म, कलयुग में है अनेक धर्म, यह तो कोई भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं, पीछे यह देवी देवता धर्म
प्रहलोप हो जाता है, पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं। वह भी जब तक उन्हों की संस्था वृद्धि को पाए तब तक मालूम थोड़े ही पड़ता है। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखाया है? बोलो, यह खेल है भारत पर। आधा कल्प है उन्हों का पार्ट, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। गोले में यह सारी नॉलेज है। गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, सतयुग त्रेता में है श्रेष्ठाचारी दुनिया। द्वापर कलयुग है भ्रष्टाचारी दुनिया। अभी तुम संगम पर हो, यह ज्ञान की बातें हैं। यह चार युगों का चक्र कैसे फिरता है यह किसको पता नहीं है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। इन्हों को भी यह थोड़े ही पता रहता कि सतयुग के बाद फिर त्रेता होना है, त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना है। यहाँ भी मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं। भल कहते हैं परंतु कैसे चक्र फिरता है यह कोई नहीं जानते। इसलिए बाबा ने समझाया है, सारा गीता पर जोर रखो। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते हैं, वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो, भक्ति में भी पहले पहले तो तुम जाते हो ना। शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो, तुमको पहले पहले पूजा करनी होती है अव्यभिचारी एक शिव बाबा की। सोमनाथ मंदिर और किसकी ताकत थोड़ी है बनाने की। बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रहे हैं। जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हैं हाँ बरोबर ठीक है, बाहर गए खलास, वहां की वहां रही। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान, मुरली धर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने
कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते, क्योंकि जहां लगन होती है वहां कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है जिससे वो सेफ रहते हैं। स्लोगन, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.